नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिनेमा पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्र। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। कोरोना से राहत, 200 दिनों के बाद सबसे कम सक्रिय मरीज। बीते 24 घंटे में 20,799 नए मामले, 180 लोगों की मौत। 3000 किलो ड्रग्स प्रकरण मामले में तालिबान राज के बाद भारत पर मंडरा रहा नशे का संकट। दिल्ली पुलिस ने गठित की स्पेशल सेल। पंजाब सरकार ने यूपी को लिखा पत्र। सीएम चन्नी लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, उनके चोपर को उतारने की दे इजाजत। लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश में विपक्षी नेता प्रियंका गांधी हिरासत में, अखिलेश को भी रोका गया। लखीमपुर हिंसा में संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रपति कोविंद को पत्र की मंत्री बेचे के खिलाफ एक्शन की मांग। क्रूज पर ड्रग्स केस मामले में बढ़ सकती है आर्यन खान की मुसीबत और कस्टडी मांग सकती है एनसीबी। लखीमपुर खीरी हिंसा में कार्रवाई पर अड़े किसान, बोले दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ही करेंगे शवों का अंतिम संस्कार। चीन ने ताइवान में उड़ाए 3 दिन में 100 लड़ाकू विमान, भड़के अमेरिका की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर के हर जिले में खुले मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल हेल्थ यूनिवर्सिटी खोलने का भी प्रावधान। प्रावधान दिल्ली में 8 के बाद बढ़ेगा तापमान, पूरे सप्ताह बारिश के आसार नहीं। भारतीय द्वारा की गई शिकायतों पर गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म से 93,550 सामग्री हटाई। पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तान के 700 लोगों के नाम, इमरान खान की बड़ी मुश्किलें। 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे आर्यन, एनसीबी से पूछताछ में खुलासा। तारक मेहता की टीम ने नट्टू काका को दी अंतिम विदाई, जेठालाल और बबीता जी सहित पहुंचे अन्य एक्टर्स। मोतिहारी में फूड पॉइजनिंग से जिला पुलिस बल के 35 जवान बीमार, खीर खाने के बाद शुरू हुआ उल्टी और पेट दर्द। देहरादून में धूप और बादलों के बीच लुका छिपी, मलबा और बोल्डर आने से गंगोत्री हाईवे बंद। हरियाणा में भड़के किसान, जींद में लगे 2 धरने, यमुनानगर में लघु सचिवालय के बाहर धरना। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया 70% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।